हे दिस इज़ मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे एग्जाम में पास कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से मैं बताऊंगा। चलिए मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ इज़ गिवन एज दिस एंड एस इज सरफेस बाउंडिंग द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एंड जेड इक्वल्स टू जीरो एंड जेड इक्वल्स टू थ्री। मतलब हमें जो है इस चीज़ को इवेलुएट करना है जिसमें से एफ का वैल्यू दिया हुआ है और ये जो ये सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करना है किसके लिए, एक हमें रीज़न दिया हुआ है। ओके, तो हमें अब हम इस सरफेस इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हैं और डाइवर्जेंस के यूज से हम इसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करके अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को जो सरफेस इंटीग्रल इवेलुएट करना है उसे हम डाइवर्जेंस के यूज से कैसे इस क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डाइवर्जेंस का जो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन डी एस यही चीज़ को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल में अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ का हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे और इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें फाइंड करने होते हैं तो हमें कुछ कुछ चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं और वॉल्यूम इंटीग्रल के टाइम पे हमें ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करना होता है। तो वो एक दो तीन चीज़ है जो जिसकी हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए कैसे करते हैं। उनका भी मैंने वीडियोस बना के रखे हैं, उनका लिंक नीचे दिया हुआ है, वन बाय वन आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस में कुछ होते नहीं है, डाइवर्जेंस सिर्फ एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। मतलब डाइवर्जेंस फाइंड करने आना चाहिए आपको, वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करने आना चाहिए और ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करने आना चाहिए। बाकी बस वो सब चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेना है। तो चलिए अब लिखते हैं इसके आगे। हमारे पास ये रीज़न दिया हुआ है, इस ये रीज़न में सरफेस इंटीग्रल निकालना था, मतलब ये रीज़न में ही वॉल्यूम इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे। इस रीज़न को हम करते हैं ड्रॉ। अगर हम लोग देखें तो ये एक सिलेंडर है, कैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर को हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई प्लेन है, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल को जेड इक्वल्स टू जीरो से जेड इक्वल्स टू थ्री तक खींच दिया जा रहा है। मतलब इस सर्कल को जेड इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे, सो उसके जेड इक्वल्स टू थ्री तक ऊपर उठा दिया जा रहा है। तो ये एक सिलेंडर का फेस ले लेगा, एक सिलेंडर सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस रीजन को हम 3D में ड्रॉ किए। अब इसी जो वॉल्यूम बना सिलेंड्रिकल का उसी में हमें वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। ओके, तो किसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैलकुलेट करते हैं। अगर किन्हीं को डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैलकुलेट करने में या फिर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है तो उसका भी लिंक मैं दे दिया नीचे या फिर इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो कि कैसे किसी भी चीज़ का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा डॉट एफ। ओके, तो उसका हम लोग लिखते हैं डेल एक्स ऑफ जो एफ था उसका आई कैप वाला 4x प्लस डेल एक्स ऑफ वाई जे कैप वाला माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, ये डेल डॉट एफ क्या, ये एक्चुअली में डेल जो होता है डेल बाई डेल एक्स होता है आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप होता है। इसका डॉट मैंने एफ के साथ ले लिया तो ये चीज़ आया और कुछ भी नहीं किया, ये बहुत ही इजी सा चीज़ किया मैंने, ये इन दोनों का डॉट लिया। ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर्स का डॉट कैसे लेते हैं इजीली, वैसे मैंने लिया तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद इस चीज़ का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये जो फॉर्म डेल बाई डेल एक्स है मतलब 4x का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है 2y स्क्वायर का जेड स्क्वायर का, तो यहाँ पे सब पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे इजी है क्योंकि यहाँ सिंपल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी दिक्कत है तो उसका भी मैंने वीडियोस बना के रखे वो भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। कभी कभी दिक्कत आ जाता है जब पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ सिंपली डिफरेंशिएट हो जाएगा। 4x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस टू वाई स्क्वायर को माइनस फोर वाई और जेड स्क्वायर को 2z और dx dy dz, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रल ले रहे हैं इसलिए। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ये चीज़ का dx dy dz। अब एक्चुअली में यहाँ से जो गेम शुरू हो जाता है यहाँ हमारा ख़त्म हो गया डाइवर्जेंस थ्योरम।
डाइवर्जेंस थ्योरम जो चीज़ बताता है वो यहाँ से फिनिश, यहाँ से जो गेम शुरू होता है वो होता है वॉल्यूम इंटीग्रल का गेम। मतलब अगर आपके आपको यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल सॉल्व करना आता है कि इस चीज़ का वॉल्यूम इंटीग्रल कैलकुलेट करो इस रीजन में, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको वॉल्यूम इंटीग्रल वॉल्यूम में कैलकुलेट करना, मतलब तीन लिमिट्स होंगे एक्स का, वाई का, जेड का। तो हम लिख रहे हैं डीएक्स, इसको मैंने तीन इंटीग्रल में किया है कन्वर्ट, और तीनों का मैंने लिखा है लिमिट्स माइनस टू से टू, एक्स का, ये वाई का, और ये जेड का, और सेम चीज़ दिया लिख और इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस चीज़ को कैसे किए फाइंड, यहाँ तक तो आपको आ गया समझ में, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे किए फाइंड, ये सिर्फ गेम छुपा हुआ है वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ कॉस डाइवर्जेंस को, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसके नीचे दे दिया है लिंक वॉल्यूम इंटीग्रल का, यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। आप देखो कि यहाँ से यहाँ ये कैसे आया और वॉल्यूम इंटीग्रल कैसे किया जाता है, तो उस चीज़ को आपको और भी क्लियर होगा, ये लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो और ये चीज़ हो जाएगा क्लियर। तो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जितना उसके शेयर किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।